कुकिंग सीक्रेट टिप्स, हर मुश्किल होगी आपकी अब आसान। ध्यान से सुने। नंबर एक, अगर आपके पास समय बहुत कम है तो 2-3 दिन की रोटियां बनाकर उन पर वेजिटेबल ऑयल लगाकर रख लें। जिप वाले पैकेट में रख दें और जब भी आपको खानी हो तो माइक्रोवेव में गर्म कर लें और फिर से रोटियां ताज़ा हो जाएंगी अगर आप इस तरीके से करेंगे तो। नंबर दो, अगर सफ़र के लिए सब्जियां बना रहे हैं तो मसाला भूनते समय थोड़ा सा सिरका डाल दीजिए, इससे स्वाद भी बढ़ जाएगा और सब्जी भी खराब नहीं होगी। नंबर तीन, टमाटर का सूप बनाते समय उसमें सूखा पुदीना मिला दीजिए, सूप बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। नंबर चार, भिंडी की सब्जी बनाते समय सब्जी में 1 चम्मच दही डाल दीजिए, इससे भिंडी आपस में चिपकेंगी नहीं और स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा। नंबर पाँच, आपने देखा होगा कि जब भी हम पहले रोटियां बनाकर रख लेते हैं तो रोटियां सूख जाती हैं, टाइट हो जाती हैं। अगर आप इन रोटी को माइक्रोवेव में रख देंगे कुछ सेकंड के लिए तो रोटियां बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी। लेकिन क्या है कि माइक्रोवेव ज़रूरी नहीं है कि सबके पास हो, तो ऐसे में रोटी को किसी पेपर या नैपकिन में लपेट कर छोटे टिफ़िन के डब्बे में रख के, टिफ़िन स्टील के होने चाहिए, उसमें रख के कुकर में थोड़ा सा पानी लेके कुकर में जो स्टील की डिब्बी में रोटी रखी है उनको रख दें और कुकर को कुछ देर के लिए गैस पर रख दें। फ्लेम कम ही रखनी है क्योंकि हमें भाप से ही रोटियों को गर्म करना है। कुकर में भाप बनने दें, सीटी नहीं लगानी है। कुकर में थोड़ी देर के बाद आप कुकर को खोलकर देखेंगे तो रोटियां एकदम सॉफ्ट मिलेंगी आपको, बिल्कुल ताज़ा जैसी। नंबर छः, इमली को ज़्यादा दिनों तक स्टोर रखने के लिए पहले इमली को सुखाकर उसमें नमक डालकर गोले बना लीजिए और एयरटाइट डब्बे में रख दीजिए। ऐसा करने से इमली साल भर तक खराब नहीं होगा। नंबर सात, जब भी आप ढोकला बनाएं तो ढोकला बनाते समय थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च उस पर छिड़क दीजिए, स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। नंबर आठ, सब्जी को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए सामग्री को एक विशेष क्रम में पकाएं। उदाहरण के लिए पहले तेल में लहसुन, प्याज, अदरक और टमाटर कट करके या पेस्ट डाल दीजिए, क्योंकि हर सब्जी को पकाने का एक अपना समय होता है। जब तक पूरा मसाला अच्छे से पक ना जाए उसमें सब्जी डाल दीजिए और सब्जी जब ही डालनी है जब मसाला तेल छोड़ दे। नंबर नौ, पुराने मफिन को फ्रेश करने के लिए, जो एकदम पुराना मफिन है उसको फ्रेश करने के लिए उन पर पानी छिड़कें और एक पेपर बैग में रखें। 5 से 10 सेकंड के लिए गर्म ओवन में रखें। पानी से भने भाप नमी को रिस्टोर कर देगी। नंबर 10, एक बर्तन में पानी गर्म करके उसमें नींबू का रस डालें और उसमें मेथी के पत्तों को 4 से 5 मिनट के लिए पका लें। नींबू का खट्टापन जो है मेथी के कड़वेपन को कम कर देता है। और दूसरा तरीका है, मेथी की सब्जी बनाने से पहले पत्तों को काटकर थोड़ा सा नमक वाले पानी में भिगो लें। नमक वाले पानी में थोड़ी देर के लिए उसमें डाल दें पत्तों को, तो इससे भी कड़वापन जो है निकल जाएगा। नंबर 11, एक चुटकी हल्दी और नमक डालकर कच्चे केले को उबालने से केला जो है काला नहीं पड़ता है। नंबर 12, तांबे और पीतल के बर्तन को अगर अमचूर पाउडर से साफ किया जाए तो बर्तन एकदम चमक जाते हैं। नंबर 13, हरी मिर्च को काटकर इमली के पानी के साथ हाथ धोने से जलन नहीं होती है। नंबर 14, दाल सब्जी में इमली या अमचूर की जगह पर अगर आंवला पाउडर डाला जाए तो वो बहुत ज़्यादा स्वाद बढ़ा देता है और इससे बालों और आँखों को भी फायदा होगा। नंबर 15, बैंगन को भूनते समय उसमें 2 से 3 लहसुन की कलियां और हरी मिर्च डाल दीजिए। बैंगन को अच्छे से कट करके चेक करके तो भरते का जो स्वाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। नंबर 16, मैदे की कचौरी और खुरमे, मठरी आदि बनाते समय मैदे को थोड़ा दही व गर्म घी डालकर गूंद लें तो कचौरी और मठरी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और कुरकुरी बनेगी। नंबर 17, हरी मटर का चमकीला हरा रंग बरकरार रखने के लिए मटर को उबालने से पहले उसमें 1/2 स्पून चीनी मिला दीजिए तो मटर का रंग जो है हरा ही रहेगा। अगर आप पालक बना रहे हैं उसका रंग आप हरा रखना चाहते हैं तो पालक को पकाते वक्त उसमें 1 चुटकी चीनी डाल दें, इससे पालक का रंग हरा ही बना रहेगा। नंबर 19, बचे हुए तेल को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए उसमें अदरक के कुछ टुकड़े डाल दें, इससे तेल खराब नहीं होगा। नंबर 20, चना मसाला के लिए चने उबालते समय तेज पत्ता और 2 बड़ी इलायची डाल दें, स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाएगा। नंबर 21, लौकी का हलवा बनाने के लिए उसमें थोड़ी सी मलाई मिक्स कर दें तो इससे लौकी के हलवे का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। नंबर 22, भरवा मिर्च बनाते समय अमचूर पाउडर का उपयोग करने से मिर्च और स्वादिष्ट बनती हैं।
नंबर 23, गुलाब जामुन बनाते समय अगर प्री मिक्स में थोड़ा सा केसर डाल दें तो यह और भी स्वादिष्ट बनता है। नंबर 24, दाबेली मसाला बनाते समय साबुत मसाले को भूनने से दाबेली मसाला काफी बेहतरीन बनता है। नंबर 25, अगर आप ग्रेवी वाली सब्जी बना रहे हैं तो सबसे पहले प्याज को फ्राई करके पीस लें, इससे आपके खाने का स्वाद बढ़ जाएगा और खाना टेस्टी बनेगा। नंबर 26, रिफाइंड तेल के बजाय तिल, मूंगफली, सरसों का तेल या नारियल के तेल का प्रयोग करें, क्योंकि रिफाइंड तेल में बहुत केमिकल होते हैं जो शरीर में कई तरह की बीमारियां पैदा करते हैं। नंबर 27, रायता बनाते समय उसमें नमक ना डालें बल्कि सर्व करते समय डालें, इससे आपके रायते का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और रायता खट्टा भी नहीं होगा। नंबर 28, अगर आप मार्केट से कच्चे फल लेकर आ गए हैं तो उनको पकाने के लिए उन्हें अखबार में लपेटकर 2-3 दिनों के लिए किसी गर्म स्थान पर रख दें, फल पकने लगते हैं। नंबर 29, बाजार के छोले काले होते हैं, यदि आप भी ऐसे बनाना चाहती हैं तो अनार के छिलकों को सुखा के रख लें और छोला उबालते समय एक टुकड़ा डाल दें, इससे बिल्कुल छोले बाजार के जैसे बनेंगे। नंबर 30, अक्सर कई महिलाएं सब्जी को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें दही डाल देती हैं, मगर ध्यान रहे अगर आप सब्जी में दही मिला रहे हैं तो सब्जी में उबाल आने के बाद ही नमक डालें, क्योंकि अगर आप पहले दही डाल देंगे और नमक भी डाल देंगे तो दही फट जाती है, इसीलिए नमक बाद में डालें जब सब्जी में उबाल आ जाए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की किचन टिप्स वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए यूजफुल होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। दोस्तों, आपने इतना कीमती समय देने के लिए मेरी वीडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।